अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पुरानी दिल्ली की मशहूर मुगलाई चिकन करी की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, आप जिसके लिए भी बनाएंगे सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे खाने वाले, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 700 ग्राम चिकन, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें मैं डाल दूंगी कुछ मसाले, तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का। अब इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसको चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला और 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हैंड टू हैंड भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि मैं बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको मैरिनेशन पे रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। तो इसको ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं रख दूँगी साइड में। अब हम ले लेंगे एक पैन और इसके अंदर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, हल्का सा ये गर्म होने लगा है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, इनको मैंने रफली बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हम गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको प्याज को हमें गोल्डन कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इसको हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है, हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस इतना ही गोल्डन करना है। और अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि जो प्याज है वो निकलने के बाद भी अपने हीट में कुक होती रहती है, अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क करके निकालेंगे तो ये और डार्क हो जाएगी और करी में टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये प्याज मैंने प्लेट में निकाल ली है, इसको साइड में रख देंगे। और जो बचा हुआ ऑयल है उसके अंदर जो हमने मैरिनेट किया है चिकन उसको डाल देंगे। ध्यान से डाल लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऑयल गर्म है, आज छीट भी आ सकती है, तो बहुत ध्यान से डालिएगा। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, उसके बाद आप डालें। तो इस तरीके से मैंने सारा चिकन डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतने हमारा चिकन फ्राई हो रहा है लो फ्लेम पे, हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 10 बादाम ले लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया था और इसका छिलका हटा लिया था। और ये 8-10 मैंने काजू ले लिए हैं। और जो हमने प्याज फ्राई की थी इसमें से हम आधी प्याज अभी यूज़ करेंगे और थोड़ी सी हम बचा लेंगे, उसको हमें आगे चल के यूज़ करना है। ये सब चीज़ें हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दी है, ये प्याज हमने साइड में रख देंगे, इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें पहले हम डालेंगे दही। तो ये 3-4 चम्मच हमने दही डाल दी है और इसका अब हम बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। अब इन सब चीज़ों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका पेस्ट बनके तैयार हो गया है, कितना क्रीमी बना है।
ये देख सकते हैं आप, इसको अब हम रख देंगे साइड में और अब हम चिकन चेक कर लेंगे। तो ये देखिए चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी से कितना लजीज लगना शुरू हो गया है, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और जो हमने पेस्ट तैयार करा था तो ग्राइंडर में उसी में मैंने पानी डाल के उसको साफ कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से कुक होने लगा है। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा फूड कलर, आप चाहें तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं, होटल वाले इसको डालते हैं जिससे कि करी का बहुत बेहतरीन कलर आता है। तो हम ये ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है। अब इसको अच्छे से हम पकने देंगे। दही का पानी भी खुश्क होने लगा है, ये बहुत अच्छे से पक गया है आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने प्याज फ्राई करके साइड में रखी थी उसे हम हाथों की मदद से मसल कर इसके अंदर डाल देंगे क्रश करके। ये मैंने प्याज ऐड कर दी है। अब इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे प्याज को चिकन के साथ। तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी, मैंने 2-3 हरी मिर्च स्प्लिट करके डाल दी हैं इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल देंगे, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत यम्मी लगता है। और थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी क्रश करके। और ये थोड़ी सी मैंने जूलियन कट अदरक डाल दी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं फ्रेंड्स। ना मैंने अब इसके अंदर मिर्चें डाली थी ना नमक डाला था, बस जो मैंने मैरिनेशन में डाला था बस वही मसाला डाला था और बस इसको डायरेक्ट हमने पका लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको इन सब चीज़ों को अच्छे से हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, भून लेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीके से बन गई है हमारी मुगलई करी, मुगलई चिकन करी ये बनके तैयार है। अगर आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहें तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मुगलई करी बनके रेडी है। अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रख लें, वरना थोड़ा आप इसमें पानी डाल के इसकी ग्रेवी पतली कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे
अगर आप फ्रेंड्स इसमें क्रीम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स खुशबू भी इसमें इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं क्या बताऊं, कि सभी आपसे पूछेंगे कि क्या बना है इतना ज़बरदस्त और देखने में भी इतना लजीज है, और खाने में तो आप पूछिए मत कि कितना लजीज और ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स हमारी ये चिकन मुगलई कढ़ी बन के तैयार है, ये बहुत लजीज बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसको बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कैसी बनी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।